जय श्री राधे राधे। यायावर में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के दर्शन हेतु ले चल रहे हैं। मथुरा रेलवे, रोडवेज एवं वायुमार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। मथुरा का नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा कैंट और मथुरा जंक्शन आपके शहर से इन दोनों में से जिस जगह पे भी ट्रेन जाती है आप वहाँ का टिकट करवा सकते हैं। नज़दीकी बस स्टॉप मथुरा है और नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा है। आगरा और मथुरा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है जो बहुत आसानी से बस के द्वारा कवर की जा सकती है। वैसे तो मथुरा में छोटे बड़े 5000 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन यदि आपके पास समय कम है, एक दिन का प्लान कर रहे हैं, एक दिन का समय है, तो आपको कम से कम दो मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। पहला तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और दूसरा द्वारकाधीश मंदिर। ये दो मंदिर के दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात ये है कि मथुरा के लगभग सभी मंदिर दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच बंद रहते हैं, तो आप अपने समय की सुविधा के अनुसार अपना दर्शन सुबह 12 बजे से पहले या फिर शाम को 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लगभग रात को 8 बजे तक, 8 बजे के बाद सामान्य तौर पर सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। सर्दियों और गर्मियों में ये टाइम थोड़ा वैरी करता है, लेकिन दोपहर का समय 12 से 4 ये तो सारे मंदिर बंद रहते हैं, ये बात बिल्कुल फिक्स है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में केशवदेव मंदिर, गर्भगृह, भगवत भवन व रंगभूमि स्थित है। रंगभूमि वह जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा से, अपने मामा जो कि कंस थे, उनसे अंतिम युद्ध लड़ा था और उसमें कंस की पराजय हुई थी, उनका वध हुआ था। गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए मैं आपको अंदर का कोई भी दृश्य, कोई भी सीन नहीं दिखा पाऊँगा। अंदर आप गोचारण एवं अन्य प्रकार की बहुत सारी झांकियाँ होती हैं जिनका आनंद ले सकते हैं, उसके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हैं। ठहरने के लिए कृष्ण जन्मभूमि के सामने या फिर दूसरे मोहल्लों में भी बहुत सारे धर्मशाला और होटल्स उपलब्ध हैं। होटल्स, हर रेंज के होटल्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन मथुरा में ठहरने हेतु धर्मशाला एक बहुत ही बेहतर विकल्प है जो कि बहुत ही इकोनॉमिक पड़ता है। धर्मशाला 500 रुपये से कम से भी इसका चार्जेस स्टार्ट है। डॉर्मेट्री के चार्जेस और भी ज़्यादा कम होते हैं, तो इसलिए धर्मशाला में बहुत सारी रेंज मिलेंगी और ज़्यादातर धर्मशाला मथुरा की काफ़ी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है, तो इसलिए ठहरने हेतु आप धर्मशाला ले सकते हैं। अपना बेस कीमती सामान, पर्स, मोबाइल इत्यादि आप अपने होटल पर छोड़ के आएँ या फिर आप लॉकर में जमा कर सकते हैं जो कृष्ण जन्मभूमि से अटैच्ड है। प्रमुख पकवानों में यहाँ की कचौड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ की रबड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और मथुरा के पेड़े, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हर आगंतुक अपने साथ पेड़े ले जाता है, पेड़े प्रसाद के तौर पे भी चढ़ाए जाते हैं और मिठाई के रूप में भी बहुत सारे लोग पेड़े अपने साथ ले जाते हैं। ब्रिजवासी एक ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वैसे मैं किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप स्ट्रीट से भी पेड़े ले सकते हैं और किसी बड़े होटल से भी ले सकते हैं, ब्रिजवासी जैसे या अन्य किसी होटल से भी आप ले सकते हैं। जन्मभूमि दर्शन के पश्चात आप तीर्थराज विश्राम घाट जा सकते हैं। विश्राम घाट वह जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद कुछ समय तक आराम किया था, तो आराम से नाम पड़ गया विश्राम, तो विश्राम घाट आप जा सकते हैं। विश्राम घाट में अगर आपकी कुछ मान्यता है तो आप संकल्प करा सकते हैं, पंडा जी लोग वहाँ पे रहते हैं, या फिर आप थोड़े समय तक आध्यात्मिक अनुभूति कर सकते हैं। आप अगर बोटिंग के शौकीन हैं तो यमुना जी में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर बोट्स भी उपलब्ध हैं। विश्राम घाट दर्शन के बाद आप द्वारकाधीश मंदिर जा सकते हैं जो कि समीप में ही स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान
श्री कृष्ण को ही समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर का जो निर्माण कार्य था वो सेठ गोकुलदास जी ने करवाया था। सेठ गोकुलदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे और इसका जो समय है, सेठ गोकुलदास जी ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में करवाया था। तो द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित देश के विभिन्न हिस्सों के मंदिरों में बहुत ही प्रमुख माना गया है, इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो यदि आप मथुरा आते हैं, आपके पास कम समय है, तो आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। वैसे तो हर मंदिर इम्पॉर्टेंट होता है। अन्य मंदिरों में गीता भवन, गोविंद देव मंदिर, यमुना मंदिर, पिपलेश्वर महादेव मंदिर, इस्कान मंदिर, इस तरह के बहुत सारे मंदिर मथुरा में हैं। मथुरा को सिटी ऑफ टेंपल्स भी कहा जाता है, मंदिरों का एक शहर है पूरा। यहाँ तक कि ज़्यादातर लोगों के घरों में भी छोटे छोटे मंदिर विराजमान हैं। यदि आपके पास समय बचता है तो आप मथुरा से कुछ दूरी पर स्थित दिल्ली और मथुरा हाईवे पे बाबा जय गुरुदेव जी के आश्रम परिसर में भी जा सकते हैं। आश्रम परिसर कई सौ एकड़ में फैला हुआ है, इसके अगल बगल की भी ज़मीन आश्रम की ही है। बाबा जय गुरुदेव जी का योगदान शाकाहार के बढ़ावे में रहा है, शराबबंदी में बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो भारत भूमि संतों की ही भूमि रही है, लेकिन शराबबंदी में, शराब किल्लत छोड़ने में और शाकाहार में बाबा जय गुरुदेव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये संक्षेप में मैंने आपको मथुरा दर्शन की जानकारी दी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।